हेलो दोस्तों, तो हमने बनाया था फन किंगडम घूमने का प्लान और हम आ गए थे फन किंगडम में। तो ये है यहाँ का पहला इल्यूजन पाथ। ओह माय गॉड सर, गोल 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 घूमने लगा और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है फ्रेंड्स। ये छोटा सा रास्ता था, अब हम आ गए इस गोल वाले झूले पे। देखो फ्रेंड्स, मुझे ना झूलों के नाम तो याद है नहीं, तो मैं आपको ना आप जैसे बताऊंगा तो आप प्लीज़ समझ लेना कि किस टाइप का झूला है। इसमें हमें चेन से बांध दिया गया था और अब हमें गोल गोल इस पर घुमाया जा रहा था। ये देखिए, ये भी बहुत डरावना झूला था। और अब हम आ गए कार तोड़ने में और यहाँ हमें ज़ोर ज़ोर से, मैं दोस्तों के साथ उनकी कार को स्मैश कर रहा था। और ये ना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है फ्रेंड्स, मैं कहीं भी जाता हूँ ना गेम जोन फन जोन, तो ये वाला गेम तो मैं ज़रूर खेलता हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमने ये प्लान बनाया था यहाँ का। और हम एक दूसरे की कारों को, ये पूरे सब हम ही लोग हैं यहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स की मम्मियाँ, और हम बहुत मज़े कर रहे थे और हमने बहुत देर तक यहाँ पे कार स्मैशिंग की है फ्रेंड्स। सच में बहुत मज़ा आ रहा था, मैं अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। और ये अब हम आ गए हैं दूसरे झूले पर और यहाँ पर ना बहुत भीड़ लगी हुई थी, हमें काफ़ी देर लाइन में खड़ा रहना पड़ा। चलिए, मेरा नंबर आ गया था। ये मेरा फ्रेंड और मेरी बहन इस झूले पर बैठ रहे हैं और अब इनको ये साइकिल चलानी थी। इससे पता चलेगा हमें कितना स्टैमिना है। ये देखिए, ये है रास्ता जिस पर हमें साइकिल चलानी थी। और ये देखिए, मैं और मेरी मम्मा हम भी साइकिल चला रहे हैं और यहाँ ना हम चलाते चलाते इतना थक गए थे ना फ्रेंड्स, पर ये वाला तो और भी अमेजिंग था राइड। ये बाईसाइकिल चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, पानी पी रहे थे। और ये देखिए फ्रेंड, फ्रॉक वाला झूला, मुझे तो ये देखकर ही बहुत डर लग रहा था कि मैं इस पर कैसे झूल पाऊँगा, बट मैंने सोचा फिर भी एक बार ट्राई तो ज़रूर करेंगे। और ये देखिए, साइकिल 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। ये मेरी मम्मा ने बहुत ट्राई किया पर वो उसको 360 घुमा नहीं पाई। और ये देखिए, मेरे फ्रेंड की बहन है, ये क्यूट सी झूले पर। और अब हम यहाँ पे आ गए थे मस्ती करने, ट्रैम्पोलिन और जंप कर रहे थे और हम यहाँ चढ़ रहे थे, बहुत मज़े आ रहे थे फ्रेंड्स। और आप हमारे हाथ में ये बैंड्स देख रहे हैं ना, इन्होंने हमें ये बैंड्स दिए थे जिससे कि ये एज के अकॉर्डिंग ये लोग बैंड्स देते हैं कि हमें कौन से झूले पे झूलना है या कौन से एज अकॉर्डिंग झूले हैं जिन पे हम जा सकते हैं। तो ये देखिए, हम कितना मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ एडवेंचर्स वाले झूले भी हैं जिनका ना आपको अलग से पे करना पड़ेगा, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आपको दो बैंड मिल जाएंगे। और अब हम आ गए एक और, मतलब एक कार टाइप की ट्रेन है जो पटरी पर चलेगी। ये देखिए, हम तीनों को, हम बहुत मज़े कर रहे हैं। और मैंने ना इस झूले पे दो दो बार राइड करी है फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये ऑटोमेटिक था, हमें इसमें कुछ करना नहीं था, हमें सिर्फ बैठ के मज़े लेने थे। ये देखिए, मेरी मम्मा मुझे बाय कर रही हैं। फ्रेंड्स, आप भी अगर जयपुर में, कौन कौन यहाँ गया है प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना। अब ये देखिए, ये हम चढ़ने वाले हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं हम, रॉक क्लाइंबिंग। ये मेरी दीदी ही नहीं चढ़ पाई ऊपर और ये नीचे गिर गई हैं। अब ये देखिए, मैं आ रहा हूँ नीचे ये रोप से पकड़ के। फ्रेंड्स, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊँगा, पर ठीक है, वहाँ पे सेफ्टी सब कुछ था तो मैं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरी दीदी ने भी ट्राई किया और अब हम जाने वाले हैं जिप लाइनिंग पे। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ। और ये सब ना एडवेंचर वाला पार्ट है जिसके आपको अलग से पे करने हैं। इस पर हमने बहुत मज़े किए, मैंने लाइफ में पहली बार किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है उद्धव और ये भी ट्राई कर रहा है इसको। और यहाँ पे ना पैर बहुत फिसलता है, देख के बहुत इजी लगता है बट करने लग जाओ ना तो बहुत डर लगता है। ये देखिए, यहाँ पे ये पाथ है, एडवेंचर पाथ। इसमें हमें इन सब ऑब्स्ट्रक्शंस को क्रॉस करके इसे पार करना है। मेरी मम्मा ने कहा मैं भी सब चीज़ें एडवेंचर्स करूँगी, तो अब वो ट्राई कर रही हैं ऊपर चढ़ने की। उन्होंने चैलेंज किया था, मैं तुम सबसे ऊपर चढ़ के दिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये यहाँ अटक गई हैं, अब इनसे तो चढ़ा ही नहीं जा रहा है, अब इनके चैलेंज का क्या होगा फ्रेंड्स। अब ये सोच रही हैं, यार मैं तो गलत ही फंस गई यहाँ पे ना फ्रेंड्स। ये पाथ है ना थोड़ा सा, मतलब ऊपर निकलता है तो यहाँ ऐसा स्ट्रेट है तो चढ़ा ही नहीं जाता है। फाइनली मम्मा गिव अप करने वाली हैं कि अब नहीं चढ़ सकती भाई मैं, अब मैं नीचे उतरना ही पड़ेगा, चलो अब मैं सेकंड ट्राई करती हूँ। अब ये गई वो जिप लाइनिंग करने के लिए और उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो भी हम बच्चों की तरह अपनी लाइफ इंजॉय कर रही थी, वापस से बच्चा बन गई थी वो। और
हम सब नीचे से उनको देख रहे थे। ये देखिए, और यहाँ पे ना फ्रेंड्स ये साइकिलिंग भी थी, रोप पर साइकिल चलानी थी। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, मतलब ये डर ज़रूर लगता है लेकिन हम पूरी तरह से सेफ हैं कि हम यहाँ से गिरेंगे नहीं। और ये मेरी मम्मा और उनकी फ्रेंड्स भी इस पाथ को क्रॉस कर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेचारे कोशिश तो बहुत करते हैं, हमारे बच्चों जैसे तो नहीं हो सकती ना वो, हम तो ज़्यादा स्ट्रांग हैं मम्मा से। ये देखिए, पर ठीक है, मम्मा भी इंजॉय कर रही है, हमने भी इंजॉय किया। और ये शूटिंग तो मैं ही कर रहा था मम्मा की, क्योंकि मुझसे अच्छी शूटिंग तो कोई कर ही नहीं सकता फ्रेंड्स। चलो 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 मम्मा, चलो, कमॉन कमॉन मम्मा, चलो आप कर सकती हो मम्मा। और ये ना फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये ट्रेन अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे बैठे हुए हो, अभी इसमें हमें बैठ के ऊपर जाना है। अभी देखते हैं, अभी देखिए अब हम बैठ चुके हैं और अब हम ऊपर जाने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत डर लगता है इस झूले पे जाके ना। और रेनकोट पहनना कंपलसरी है, क्यों अभी देखिए आपको आगे पता चल जाएगा कि यहाँ रेनकोट पहनना क्यों कंपलसरी है। ओ ये देखिए, अब समझ में आया, यहाँ ये हमने सबसे लास्ट में किया था क्योंकि ये सबसे ऑसम पार्ट था इस ट्रिप का, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं इसमें, तो हमने सोचा इस पार्ट को हम सबसे लास्ट में ही करेंगे। और ये ना हमने एक बार भीगने के बाद 3-4 बार राइड करी इसकी, और ये बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। तो हमारी ट्रिप इस तरह से एंड हुई, हमने खाना भी खाया आराम से बैठ के, यहाँ कैफ़े हैं आप खा पी सकते हैं। पर इसमें ना कुछ डेंजरस झूले भी थे जो मैं डर के मारे मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था उन झूलों पर। ये क्या का कैफ़े है जहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं, हमने भी छोले भटूरे पाव भाजी खाई, मैगी खाई, पिज़्ज़ा खाया। तो फाइनली हमारी ट्रिप अब एंड पे आ चुकी थी, हम बहुत थक गए थे, हम सुबह आए थे 11 बजे और अब शाम के 6 बजने वाले थे, तो अब हम वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। और ये हमारी ट्रिप फन किंगडम की बहुत ही ऑसम ट्रिप थी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना भूल गया था, इस झूले पर मैं गया था अपनी मम्मा के साथ, मैंने सोचा कि ट्राई तो कर ही लेता हूँ, और ये झूला इतना ख़तरनाक था कि पूछिए मत। और फाइनली हमारी ट्रिप अब एंड पे आ चुकी है, हमारी कुछ स्वीट सी मेमोरीज़ हैं वहाँ की जहाँ हमने बहुत मज़े किए। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर फन किंगडम जाएंगे तो हमें ज़रूर बताना कि आपको किस किस झूले पे डर लगा, किस पर नहीं लगा। कुछ झूले हमने छोड़ दिए थे क्योंकि वो बहुत डरावने लग रहे थे। फाइनली अब टाइम हो चुका है घर जाने का, तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कौन कौन जयपुर में फ़न किंगडम गया है, कौन से झूले आपको अच्छे लगे। बाय बाय।